वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को भारतीय राजनीति में मौसम वैज्ञानिक यूं ही नहीं कहा जाता था। एक लंबे समय तक रामविलास पासवान को हर सत्ताधारी दल अपने साथ मिलाकर रखना चाहता था। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद तो पासवान का समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद चलकर पासवान के घर आई थी। आज हम उसी किस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रामविलास पासवान ने साल 2000 में जेडीयू से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। इसके साथ ही वो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार का हिस्सा भी बन गए थे। 2002 में गोधरा कांड के बाद पासवान की लोजपा ने एनडीए से किनारा कर लिया था। 2004 के आम चुनावों में एलजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीटें आई थी, जबकि 2004 के चुनाव परिणाम घोषित हुए तो एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। तब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने सरकार बनाई। सरकार के गठन से पहले सोनिया गांधी ने रामविलास पासवान की लोजपा को भी अपने साथ मिला लिया था। रामविलास पासवान को यूपीए सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। रामविलास पासवान को अपने साथ लाने के लिए सोनिया गांधी ने खुद पहल की थी। वो पासवान को मनाने के लिए खुद पैदल चलकर उनके बंगले तक पहुंची थी। पासवान भी सोनिया का आग्रह ठुकरा नहीं पाए। ये बात और है कि आगे चलकर पासवान एक बार फिर यूपीए से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। कहते हैं कि रामविलास पासवान के अंतिम कुछ वर्षों में उनके राजनीतिक फैसलों को उनके बेटे चिराग पासवान प्रभावित किया करते थे। साल 2014 में रामविलास पासवान ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को अपने श्री कृष्णापुरी वाले आवास पर नाश्ते पर बुलाया। उस वक्त रामविलास एनडीए में पावरफुल नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर ही इधर आए थे। इस मुलाकात के दौरान किसी ने पूछा कि आप क्यों अलग हो गए कांग्रेस से, सोनिया जी तो पैदल चलकर भी गई थी आपको मनाने के लिए। इस सवाल को सुनकर पासवान ने जवाब दिया कि वो मेरा डिसीजन नहीं था, चिराग का फैसला था। चिराग ने राहुल गांधी को 10 बार फोन किया कि हमको कितना सीट दीजिएगा, इस पर बैठकर बात करना है, लेकिन राहुल गांधी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो एक दिन उसने रात में मुझको बताया कि ये अभी हमें इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।